नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। लाख कोशिशों के बाद पहुंची प्रसिद्धि, विद्यालयों में उर्दू की पुस्तकें। जनपद उन्नाव के सफीपुर निवासी अरशद अली द्वारा उठाई गई आवाज से कई वर्षों के बाद प्रसिद्धि विद्यालयों में प्रदेश की द्वितीय शासकीय भाषा उर्दू की पुस्तकें पहुंची। छात्रों, अभिभावकों एवं उर्दू अध्यापकों में छह खुशी की लहर। जनपद में कई वर्षों से उर्दू पुस्तकों की मांग पत्र भेजने में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं ली जा रही थी। कस्बा सफीपुर निवासी अरशद अली के द्वारा पिछले वर्ष से ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक आवाज उठाई गई थी कि जनपद के स्कूलों में छात्रों को अन्य पुस्तकों के साथ साथ प्रदेश की द्वितीय शासकीय भाषा उर्दू की किताबें भी निःशुल्क मुहैया कराई जाएं। अरशद अली की काफी कोशिशों के बाद भी जनपद के कुछ विद्यालयों में ही उर्दू की किताबें पहुंच पाई हैं। ब्लॉक सफीपुर के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू पुस्तकों का वितरण प्रधानाध्यापक विवेक सिंह, उर्दू अध्यापक सूफिया बानो, अशोक रावत, आरिफ अली, सराफत अली अजीज आदि द्वारा किया गया। संज्ञान में आया है कि जनपद के ब्लॉक नवाबगंज, हिलौली, मियागंज, बिछियापुरवा, सिकंदरपुर, कड़ असोवा आदि के विद्यालयों में मुस्लिम समाज के उर्दू पढ़ने वाले बच्चे और उर्दू अध्यापक होने के बाद भी विद्यालयों में अभी तक एक भी किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। सूफिया बानो, उर्दू टीचर, प्राइमरी विद्यालय कजियाना में आज उर्दू की किताबों का वितरण कर रही हूँ। बच्चे हमारे जो है बहुत दिनों से उर्दू की किताबों के लिए परेशान थे, अब उनको उर्दू। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।